तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा बदलाव किया है। 2000 के जगह आप लोगों को 6000 का लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट इससे पहले वाले वीडियो पर आ रहा था कि सर मेरा EKYC कम्प्लीट हो चुका है, अब मेरा पेमेंट कब तक आने वाला है और कब तक आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम पहले बता दें कि आप लोग जो भी EKYC नहीं किए हैं यहाँ पर, उसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिया गया है EKYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर्ड फार्मर बेस्ड। OTP से अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी अभी वर्क कर रहा है, आप OTP से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बायोमेट्रिक लगा करके अपना EKYC कंप्लीट करना है तो आप अपने नियरेस्ट में CSC सेंटर जो भी है उस CSC सेंटर पर आप जा करके PM किसान सम्मान निधि योजना का EKYC करा सकते हैं। अगर 31 तारीख से पहले आप KYC करा लेते हैं तो आप लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आप लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों का पेमेंट कब रिलीज किया जाएगा। दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना का देख सकते हैं यहाँ पे EKYC करने के लिए आपको यहाँ पे एक EKYC का पोर्टल दिया गया, अलग से यहाँ पे पिन किया गया, आप इस पर टैप करेंगे तो इसका अलग से वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं PM किसान आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, उनके बाद आप एक मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप OTP के माध्यम से इसका कर सकते हैं KYC। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को बेनिफिशियरी का लिस्ट देखना है तो यहां से आप लिस्ट देख सकते हैं। अब हम बता दें आप लोगों को स्टेटस आप लोगों का किस प्रकार से चेक करना है कि कब तक आप लोगों का पेमेंट आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लाभार्थी की स्थिति यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर और अकाउंट नंबर मांगा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार नंबर कस्टमर का डाल देना है, जो भी कस्टमर का आप जैसे ही आप डाल करके आप गेट करेंगे, गेट करने के बाद आपके सामने उसका पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 7th इंस्टॉलमेंट है वो आपका यहाँ पे, इसका जो किस्त आएगा वो 8वां किस्त आएगा। और हम आप लोगों को बता दें यहाँ पे देख सकते हैं जिसका भी किस्त आप लोगों को जनरेट किया जाता है उस पर आप लोगों को अलग से एक, अब यहाँ पे देख सकते हैं इनका 7 इंस्टॉलमेंट जो आया था 2 जनवरी में आया था। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को मई लास्ट के बाद ही आप लोगों को मिलेगा, जब EKYC सभी का कम्प्लीट हो जाएगा तो ही आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी कोई इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।